कैसे रिप्लेसमेंट डाल करते मीन्स नथिंग बट रिप्लेस द ओल्डर ब्लॉग्स और द ब्लॉग विच आर नॉट इन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम सो दैट न्यू प्लेस विल बी जनरेटेड फॉर द इनकमिंग ब्लॉग्स. दिस इज ऑल दिस इज द कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड देर आर फोर टाइप ऑफ कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम LRU, FIPO, LFU एंड रैंडम. सो इन योर सिलेबस ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द LRU एंड FIPO. LRU एल्गोरिथम द LRU एल्गोरिथम सिलेक्ट फॉर रिप्लेसमेंट द आइटम दैट हैज़ बीन लीस्ट रिसेंटली यूज बाई द CPU, जो बहुत पुराना हो चुका है और बहुत लेट में यूज हुआ है और यूज्ड बाय द CPU, उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टेक्निक्स. ओके, नेक्स्ट देर इज ए पॉइंट इज व्हाट कैश राइट पॉलिसीज. सो कैश राइट पॉलिसीज इज व्हाट इफ ए कैश लाइन हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड देन इट कैन बी ओवर रिटन इमीडिएटली. हाउएवर इफ वन और मोर वर्ड्स हैव बीन रिटन टू ए कैश लाइन देन मैन मेमोरी मस्ट बी अपडेट बिफोर रिप्लेसिंग द कैश लाइन. द राइट ऑपरेशन इज प्रोड्यूसिंग इन टू वेज. दीज आर राइट थ्रो प्रोटोकॉल, राइट वेक प्रोटोकॉल. सो दिस इज कैश राइट पॉलिसी. सो कैश राइट पॉलिसी क्या कहता है कि हमें कोई भी एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं जो कैश मेमोरी में है, जो बहुत पुराने से बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, हम उसको रिप्लेस करेंगे और उसका अपडेट भी हम मेन मेमोरी को देंगे. तो दो देर आर टू टेक्निक्स. वन इज राइट थ्रो प्रोटोकॉल एंड अदर राइट बैक प्रोटोकॉल. सो राइट थ्रो प्रोटोकॉल इज सेइंग व्हाट ना हियर द कैश लोकेशन एंड द मेन मेमोरी लोकेशन आर अपडेट साइमल्टेनियसली. मीन्स व्हेन विल इरेज और व्हेन विल रिप्लेस द डेटा फ्रॉम कैश मेमोरी इट विल अपडेट बोथ द कैश लोकेशन एंड मेमोरी मेन मेमोरी लोकेशन साइमल्टेनियसली. ये दोनों को ही साइमल्टेनियसली इन्फॉर्म करके डेटा को रिप्लेस करेगा. और यहाँ पर राइट बैक प्रोटोकॉल में क्या होता है, दिस टेक्निक इज़ टू अपडेट ओनली द कैश लोकेशन एंड टू मेक इज एज विद एसोसिएटिव फ्लैग बिट कॉल्ड डायरेक्ट मॉडिफाई बिट. द वर्ड इन द मेन मेमोरी विल बी अपडेट लेटर व्हेन द ब्लॉक कंटेनिंग देयर मार्क्ड वर्ड is to be removed from cache to make room for new block. To overcome the read miss load throw or early restart protocol is used. So the word in the main memory will be updated later. वहाँ पर write throw protocol में क्या होता था, both main memory and cache memory will be updated simultaneously. लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, मेन मेमोरी विल बी अपडेट लेटर. मेन मेमोरी विल बी अपडेट लेटर. द टेक्निक इज़ टू अपडेट ओनली द कैश लोकेशन एंड टू मार्क इज एज विद एसोसिएटिव फ्लैग बिट कॉल्ड डाटी और मॉडिफाइड बिट. मतलब ये क्या करेगा ना, जो डेटा रिप्लेस होगा कैश मेमोरी में ओनली उसको ही अपडेट करेगा. कैश मेमोरी को अपडेट करेगा और उसको बोलेगा क्या, उसको एक रिमार्क दे देगा फ्लैग बिट, उसको बोलते हैं क्या डाटी और मॉडिफाइड बिट. एंड द वर्ड इज द मेन मेमोरी विल बी अपडेट लेटर. और ये बाद में अपडेट होगा व्हेन द ब्लॉक कंटेनिंग देयर मार्क्ड वर्ड इन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम कैश टू मेक रूम फॉर न्यू ब्लॉक. जब ये डेटा वहाँ से रिमूव होगा न्यू प्लेस के लिए, न्यू प्लेस बनाने के लिए, तब जाके ये मेन मेमोरी को अपडेट देगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट थ्रो प्रोटोकॉल एंड राइट बैक प्रोटोकॉल. राइट थ्रो प्रोटोकॉल विल बी अपडेट साइमल्टेनियसली बोथ कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, बट राइट बैक प्रोटोकॉल विल अपडेट द मेन मेमोरी व्हेन द रिक्वेस्ट व्हेन न्यू ब्लॉक रिक्वेस्ट फॉर द कैश मेमोरी और व्हेन द न्यू स्पेस हैज़ टू बी क्रिएट फॉर द कैश मेमोरी. एट दैट टाइम यू विल रिपोर्ट टू द मेन मेमोरी. ओके, नेक्स्ट. सो टू मे बी टू मार क्वेश्चन अराइज व्हाट डू यू मीन बाई कैश राइट पॉलिसी और मे बी क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू सिक्स मार क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाई कैश मैपिंग, हाउ मेनी कैश मैपिंग टेक्निक्स आर यूज देयर एंड व्हाट डू यू मीन बाई कैश राइट पॉलिसी. शॉर्ट नोट्स मे बी आस्क इन योर बीपीटी एग्जाम. ओके, नेक्स्ट. कैश कोहेरेंस, टू मार क्वेश्चन विल बी आस्क टू यू व्हाट डू यू मीन बाई कैश कोहेरेंसी. कीप द सेम वर्ड इन अदर कैश अप टू डेट यूजिंग सम टेक्निक इज कॉल्ड कैश कोहेरेंस. कीप द सेम वर्ड इन अदर कैश, कीप द सेम वर्ड विथ वर्ड इन अदर कैश अप टू डेट.
keep the same word in other case up to date using some technique is called case coherence. मतलब एक ही वर्ड को दूसरे केस में अपडेट करना बाय ए टेक्निक इज कॉल्ड व्हाट, सम टेक्निक इज कॉल्ड व्हाट, केस कोहेरेंस. और यू कैन से इन अ शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर्स विथ ए सेपरेट केस मेमोरी फॉर ईच प्रोसेसर इट इज पॉसिबल टू हैव मैनी कॉपीज ऑफ एनी वन इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड. वन कॉपी इन द मेन मेमोरी चेंज्ड, द अदर कॉपी ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी चेंज्ड ऑल्सो. केस कोहेरेंस इज द डिसिप्लिन दैट एनश्योर दैट चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्ड ऑपरेंड आर प्रोपगेटेड थ्रू द सिस्टम इन टाइमली फैशन. सो व्हाट इफ यू आर चेंजिंग ए कॉपी, वन कॉपी इन द मेन मेमोरी, वन कॉपी ऑन द मेन मेमोरी एंड वन इन ईच केस मेमोरी. व्हेन वन कॉपी ऑफ एन ऑपरेंड इज चेंज्ड द अदर कॉपीज ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी चेंज्ड ऑल्सो. मतलब कैश मेमोरी में अगर कोई भी डेटा का वैल्यू चेंज होता है तो उसका डेटा भी मेन मेमोरी में भी चेंज होगा. तो ये कैसे चेंज होता है, बाय द हेल्प ऑफ कैश कोहेरेंसी टेक्निक्स. अगर मॉडिफाई नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना. देखो सीपीयू जब रिक्वेस्ट सेंड करता है कैश मेमोरी को, मुझे ये डेटा चाहिए, सपोज एक्स वन डेटा चाहिए और एक्स वन का वैल्यू कितना है, 4. ठीक है, तो अगर कैश मेमोरी में वो अवेलेबल नहीं होता है तो वो क्या करता है, वो मेन मेमोरी से ला के देता है सीपीयू को. तो जब मेन मेमोरी से लाता है मतलब क्या है, वहाँ से एक कॉपी ला के अपने में रखता है. मतलब कैश मेमोरी में भी अवेलेबल होता है एक्स वन इक्वल टू 4. ओके, अगर एक्स वन वैल्यू चेंज होता है तो कैश में, अगर एक्स वन वैल्यू चेंज होगा तो पहले क्या, यहाँ पर चेंज होगा, कैश में चेंज होगा. तो कैश में अगर चेंज होता है तो मेन मेमोरी में भी होना चाहिए. ये कैसे होता है ना, बाय द हेल्प ऑफ कैश कोहेरेंसी टेक्निक. सो देर इज ए कैश कोहेरेंसी टेक्निक और दिस इज द डिसिप्लिन दैट एनश्योर दैट चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्ड ऑपरेंड आर प्रोपागेटेड थ्रू द सिस्टम इन टाइमली फैशन इन बोथ कैश एंड मेन मेमोरी. गेट इट, दिस इज योर कैश मेमोरी. सो टुडे इन दिस सेशन वी डिस्कस व्हाट, फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट कंप्यूटर योर कैश, व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्प्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश डिस्प्लेसमेंट एल्गोरिथम. Then we looked into the least recently used algorithm and also we solve a problem there. Okay, then we discussed about the case write policy and there are 2 types of case write policy. One is write through protocol and write back protocol. Then we discussed what case coherence. So this is all about your lecture number 3. So in next section we'll discuss about the FIPO PACE replacement algorithm. Thank you everybody. Watch the video carefully and try to solve the problem. I will update the problem or assignment as soon as possible to you.